नमस्कार सुप्रभात, आप जो रहा छो वीटीवी न्यूज, आपनी साथे हूं छू तोरल। राज्य सहित देशभर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव उजवाई गयो। जन्माष्टमी नु पर्व परंपरागत श्रद्धा अने उल्लासमय वातावरण में उजवामां आव्यो। राज्यना मुख्य कृष्ण मंदिर द्वारका, डाकोर अने शामळाजी खाते रात्रे 12 वागे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल कीना नाद साथे श्री कृष्ण जन्मना वधामणा कराया। विशेष पूजा अर्चना, शणगार अने रोशनी साथे श्री कृष्ण मंदिरो झगमगी उठ्या। गुरुवारे मध्यरात्रे समग्र राज्य सहित देशभर में कृष्ण जन्मनी धामधूमपूर्वक उजवणी करवामां आवी। राज्यना तमाम मंदिरों में जन्माष्टमी ने लईने भक्तोनी भीड़ जोवा मळी हती। रात्रे 12 कलाके जय कन्हैया लाल कीना जय घोष साथे भगवान कृष्ण ने वधावी लेवामां आव्या। द्वारकाधीश मंदिर, डाकोर अने शामळाजी मंदिर में भक्तो कृष्णमय बन्या हता। रात्रे 12 कलाके तमाम मंदिरना कपाट भक्तो माटे खोली देवाया, त्यारे द्वारकाधीश मंदिर में हजारों भक्तोए कृष्ण जन्म ने जय घोष साथे वधाव्यो। तो बीजी तरफ शामळाजी और डाकोर में भगवान श्रीकृष्ण की आरती करी नवा वाघा पहेरावामां आव्या। तमाम कृष्ण मंदिरों ने मगमगता फूलों थी सजावामां आव्या हता। शामळाजी, द्वारकाधीश और डाकोर मंदिर में मध्यरात सुधी भक्तों माटे मंदिरना द्वार खुला राखवामां आव्या हता। गुजरातना खूणे खूणे थी मध्यराते कृष्ण भगवानना भक्तिरस में भक्तो तरबोर थया हता। देशभर में लाखों भक्तों साथे राजनेताओ पण कृष्ण जन्म ने वधावा माटे अलग अलग मंदिर में भगवानना द्वारे पहुंचा हता। अमदावादना इस्कॉन मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण कान्हाना दर्शन आवी पहुंचा हता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले इस्कॉन मंदिर में पूजा करी। आ तरफ वृंदावन में केन्द्रीय मंत्री अमित शाहे बांके बिहारी ना दर्शन करी धन्यता अनुभवी। वृंदावन में पण देशभर में भक्तो उमटा हता। वृंदावन में कृष्ण भगवान पर दूधना अभिषेक साथ जन्माष्टमी की उजवणी कराई। रात्रे कृष्ण जन्मना वधामणा करवा भक्तों मंदिर परिसर में झूमी उठा हता। तमाम मंदिरों की बहार रास रमीने भक्तोए भगवानना जन्मनी उत्साहपूर्वक उजवणी करी हती। आज तो अखिल ब्रह्मांडना नाथ राजाधिराज महाराजा द्वारकाधीश राजा रणछोड़ो जन्मोत्सव छे। अति भव्य थी भव्य उजवामां आव्यो। जय रणछोड़, माखन छोड़, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लालकीना नाटी आखू मंदिर गूंजी उठ्यू। ए तो काली काली रात्रि में जन्म थयेलो मेहुल्लो मुसरधारो हतो। ए तो मेघराजा पण एमना जन्मोत्सव में भाग लेवा तो आवे ने मेघराजा पण। तो दर वर्षनी जेम आ वर्षे आतशबाजी थई, धमाका थया, तालीओनो गरगराट थयो, लोकोना राजा रणछोड़नी जय बधाए बोलावी। अति भव्य, एकदम भव्य माहौल। अमे दर वर्षे आवीए छे जन्माष्टमी पर, खास आना माटे ज आवीए छे। जन्मनो समय एवो माहौल हतो, वरसाद हतो एक तो, अने अंदर फूल भीड़ हती। दर्शन मां धक्का मुकी हती, पण दर्शन करवानो ए आनंद हतो ए बहु महत्वनो हतो। हुं दर साल आवुं छुं अहींया मेहसाणाथी भगवानना दर्शन माटे, અને જે ભગવાનના જન્મ સમય જે કમ્પ્લીટ વરસાદનો અને જે માહોલ હોવો જોઈએ એ પરફેક્ટ માહોલ હતો, અને ખૂબ જ આનંદ થયો ભગવાનના દર્શન કરી। જન્મના સમયે ભગવાનનો જ્યારે 12 વાગે જન્મ થયો ભગવાનનો, ત્યારે અંદર અભિષેક ચાલુ થયો અને બહાર આતશબાજી ચાલુ જ હતી ફટાકડાઓની, અને ભવ્યથી ભવ્ય માહોલ હતો। અમે સુરતથી સાંજે 5 વાગે નીકળેલા છે અને અહીં લગભગ 11 વાગે આસ્થામાં આવ્યા છે, અને આટુંટાથી અમે જન્મોત્સવની રાહ જોતા હતા, અને 12 વાગે અમને એવો માહોલ લાગ્યો મંદિર ખાતે કે ભવ્ય આતશબાજી થઈ, અને ભક્તિ સાગર એટલો બધો ઉભરાયો કે હૈયા હૈયાની સમાતા હતા, એટલી હદ સુધીનો માનવ મેરામનનો પાર નહીં હતો, અને લોકોને હરખનો કોઈ પાર નહીં હતો। ખરેખર અલૌકિક અને બહુ મજેદાર આમ ભક્તિનો સાગર એવો આમ લાગ્યું કે કંઈક સનાતન ધર્મ જીવિત છે। ખરેખર મજા આવી ગઈ, અને અમે દર વર્ષે દર્શન કરવા આવે જય રણછોડ। બહુ સરસ મજા આવે છે, બહુ સરસ દર્શન થાય છે, એકદમ સરસ લાગે છે, અને આમ જાણે કે સ્વર્ગમાં એવા હોય એવું લાગે છે, જાણે અહીં ગોકુળી આવી ગયું છે અમારું, બહુ સારું છે। જામનગર થી આવીએ છીએ અમે લોકો, સુરતના કડોદરા મારા